खबर जनपद हरिद्वार के खानपुर से है, जहां शिकारपुर स्थित दुग्ध संघ के नव निर्वाचित चेयरमैन और समिति सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नव निर्वाचित चेयरमैन और समिति के 8 निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि पूरे जनपद में 643 गांव हैं, जिनमें 308 ग्राम पंचायतों में 342 समितियां हैं। उन सभी समितियों को पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। निर्वाचित हमारा जो प्रबंध कमेटी बनी, उसका शपथ समारोह का इस शुभ अवसर पर पहले तो मैं सब उनको, जो हमारे प्रमोद प्रधान जी हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और जो निर्वाचित डायरेक्टर हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक अंतर की बात है, तो प्रधान जी एक अनुभवी आदमी हैं, पुराने टाइम से जब देहरादून दूध संघ होता था तब से वो लगे हुए हैं, और उनको हर चीज़ की समझ और जानकारी है। तो मैं उनसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस जिले के जो उत्पादक हैं और किसान हैं दूध उत्पादक, कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनके भुगतान की कोई समस्या ना हो, दूध मूल्य जो है अच्छा उनको मिले, और अधिक से अधिक योजनाएं जो पुराने टाइम की योजनाएं थी, डॉक्टर की, पशु आहार की और अन्य जितनी भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, उनका लाभ हमारे ज़िले के उत्पादकों को मिले, ऐसा मैंने प्रधान जी से अपने भाषण में भी आग्रह किया और निवेदन भी किया। बार बार मैं उनसे कहता रहूँगा कि किसी उत्पादक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो सरकार ने जो नव निर्वाचित अध्यक्ष बनाए हैं प्रमोद चेयरमैन जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और वो एक बड़े ही कर्मठ ईमानदार व्यक्ति हैं, और इस डेयरी में जो आज तक जो प्रोग्रेस किसानों में, महिलाओं में, किसी में नहीं देखी है वो देखी जाएगी, और ये कि बहुत ही बेहतर काम होगा यहाँ पर। सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और बस मैं ज़्यादा ना कहकर इतना कहना चाहूँगा, हमारे जिले हरिद्वार के अंदर 643 गांव हैं, 308 ग्राम पंचायतों के अंदर, 643 में से हमारी 342 में समितियां कुछ बंद है कुछ चालू हैं, सभी को हम पुनर्जीवित करेंगे। और जो 643 गांव हमारे यहाँ, शायद एक भी ऐसा गांव हम छोड़ना नहीं चाहेंगे जिसमें समिति के माध्यम से हम दूध ना खरीदें, और बिल्कुल उचित दाम और रेट और SNF जब सब कुछ दूध संघ में सही रहेगा, ऐसी आशा के साथ हम काम लेकर चलेंगे और करेंगे भी।